आज मैं आपको गूगल टैग मैनेजर के बारे में बताऊंगा। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे। सबसे पहले ये बताता हूँ गूगल टैग मैनेजर होता क्या है। अगर आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस या ब्लॉगर के अंदर रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, बिंग एड्स के कोड या फिर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके कोड्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। गूगल एडसेंस के कोड को भी आप स्टार्टिंग में करते हैं, गूगल वेबमास्टर कोड को भी आप यूज करते हैं। तो ये जो कोड्स होते हैं जब आप अपनी वेबसाइट में इसे ऐड करते हैं तो उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और जब वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है तो इसका मतलब गूगल के अंदर आपके रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और गूगल अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट फ्री में लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। वो बात अलग है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अगर आप गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर लेंगे तो ये जितने भी टैग्स होते हैं फ्रेंड्स, आपको अपनी वेबसाइट में नहीं गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाके ऐड करने पड़ेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कभी भी स्लो नहीं होगी। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वो गूगल टैग मैनेजर को आप अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे, उसके अंदर कैसे रजिस्टर करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है गूगल टैग मैनेजर। उसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है वेबसाइट टैग मैनेजमेंट टूल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है साइन इन टू टैग मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल को लॉगिन करा है वही ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है क्रिएट अकाउंट की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आ रहा है अकाउंट नेम, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। मेरे केस में मेरी कंपनी का नाम टेक्नो वेदांत है, मैंने यहाँ पे ऐड करा, और कंट्री में ऑब्वियसली आपको अपनी कंट्री डालनी है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का पूरा यूआरएल डालना है। जब भी आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, HTTP या फिर HTTPS को आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आपके डोमेन नेम के लास्ट में स्लैश आ रहा है तो आप उसको भी डिलीट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिल रही है आपको कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना है। मैं वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ तो मैंने वेब को सिलेक्ट करा, क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट ओपन हो गया। इसे रीड करने के बाद आपने चेकबॉक्स के ऊपर टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लिखा है यस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। लोड होने में ये कुछ टाइम लगाएगा और उसके बाद आपको दो कोड मिलेंगे। अब आप चाहे ब्लॉगर यूज कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, दोनों में उन कोड को पेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको जो कोड मिला है आपने इसे हेड सेक्शन में ऐड करना है। कॉपी के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कोड आपका कॉपी हो जाएगा। ब्लॉगर वाले मेरे भाई डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, थीम में जाएंगे और इस बटन पे क्लिक करने के बाद एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे। और जो मेरे भाई वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं उन्होंने डैशबोर्ड ओपन करना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम एडिटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने हेडर PHP को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो कोड आपने कॉपी करा है उसे हेड सेक्शन के नीचे लगाना है। आप देखेंगे ब्लॉगर में हेड सेक्शन यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही जो वर्डप्रेस यूजर है उन्होंने भी हेड सेक्शन के आगे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है और कोड को आप पेस्ट कर देंगे। वापस गूगल टैग मैनेजर में आएंगे, अब आपको एक और कोड मिल रहा है उसे आपने बॉडी सेक्शन में ऐड करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने बॉडी टाइप करना है क्लोजिंग टैग के साथ, मैंने एंटर प्रेस करा। अब जैसे ही आपको ये बॉडी टैग मिल रहा है इसमें क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करके वो सारा कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यही सेम फंडा वर्डप्रेस में भी है, यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है। जैसे ही आपका हेड सेक्शन फिनिश हो रहा है उसके बाद आपको ये बॉडी टैग मिलेगा, इसके आगे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको पेस्ट करके अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्रोम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद टैग्स को आप कैसे मैनेज करेंगे मैंने वो भी बताना है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी और आप मुझे कमेंट करोगे और मैं एक ही आंसर दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सब कुछ करने के बाद वापस आपको गूगल टैग मैनेजर में आना है, नीचे ओके लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
और फिर से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे डायरेक्ट इस पेज में इसने रीडायरेक्ट कर दिया, ऊपर मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है। इसको अपडेट होने में 10-15 मिनट लग सकते हैं और कहीं की बार तो उसी समय कोड ऐड हो जाता है। अब हमें कैसे चेक करना है कि हमारा कोड ऐड हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, गूगल ओपन करना है, वहां पर लिखना है टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन। फर्स्ट वाली आपको ये जो एक्सटेंशन दिख रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे, ऐड टू क्रोम के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसे एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद फिर से एक बार इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद फिर से एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे तीन तरह के कोड आ रहे हैं। वापिस आपको गूगल टैग मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक कोड दिख रहा है जिसके लास्ट में लिखा है MQDV, और वापिस आप अपनी एक्सटेंशन में आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे MQDV, मतलब आपका गूगल टैग मैनेजर का कोड आपकी वेबसाइट में ऐड हो चुका है। अब आप इसके अंदर टैग्स कैसे ऐड करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको अपने गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे आपको टैग्स की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको न्यू का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने टैग्स ऐड करने हैं। ये बीच में आप जो सर्कल देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी। आप देखेंगे गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, और इस तरह से नीचे करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ ऑप्शंस मिल रही है। जिसके भी टैग को आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल एनालिटिक्स GA4 जो नया एनालिटिक्स आया उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में गया, सबसे नीचे आपको बटन मिलेगा एडमिन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ट्रैकिंग कोड में जाना है, ट्रैकिंग कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, इसको आप कॉपी करेंगे, वापिस टैग मैनेजर में आएंगे और यहाँ पे जाके आपने इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिगरिंग की ऑप्शन है, इस सर्कल पे मैंने क्लिक करा। अपने गूगल एनालिटिक्स को मैं अपने सारे पेजेस के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऑल पेजेस को सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे अब गूगल एनालिटिक्स का ये कोड मेरे सारे पेजेस को ट्रिगर कर रहा है और सेव के ऊपर आपने क्लिक जरूर करना है। जब भी आप किसी भी टैग को ऐड करेंगे गूगल टैग मैनेजर में जाके तो उसे सेव जरूर करें, सेव नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स उसका कोई फायदा नहीं होगा। यही एक तरीका होता है गूगल टैग मैनेजर को यूज करने का। होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट करना, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट में वो चीज कवर कर दूंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।